दोस्तों सोचो आपको कोई फ़ोन लेना है 30 से 35 हज़ार की रेंज में, तो सबसे पहले आपके माइंड में कौन सा फ़ोन आता है? जो भी फ़ोन आपके माइंड में आया हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स में। मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम यूज़र्स के माइंड में वन प्लस का ही नाम आया होगा। अभी तक मैं भी यही मानता था कि कोई फ़ोन अगर लेना हो इस प्राइस रेंज में तो वन प्लस 5T बेस्ट है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और फ़ोन आ चुका है जो इससे कम प्राइस में तो है ही, साथ में उसके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं वन प्लस 5T के कंपैरिजन में। मैं बात कर रहा हूँ ऑनर के न्यू फ़ोन ऑनर व्यू 10 के बारे में। ये फ़ोन अमेजोन पे लिस्ट हो चुका है। इसका जो प्राइस है वो है 2999। वन प्लस 5 जब लॉन्च हुआ था तब ऑनर ने लॉन्च किया था ऑनर 8 प्रो, वो भी 2999 में ही लॉन्च हुआ था और वो वन प्लस 5 से बेटर स्मार्टफोन था। और अब ऑनर ने लॉन्च कर दिया है ऑनर व्यू 10 वन प्लस 5T को कंपटीशन देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको 3000 एक्स्ट्रा पे नहीं करने चाहिए वन प्लस 5T के लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये रेड बटन दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 3000 कम पे करके आपको वन प्लस 5T से बेटर स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं। ऑनर व्यू 10 के लिए आपको 2999 देने होंगे, जिसमें आपको 6GB की रैम मिलेगी और 128GB इंटरनल स्टोरेज। और वन प्लस 5T का जो वेरियंट है 3299 वाला, उसमें आपको 6GB की रैम मिलती है और 64GB इंटरनल स्टोरेज। अब स्टोरेज का तो फर्क आ ही गया 64GB और 128GB। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनर व्यू 10 में आपको माइक्रो एसडी कार्ड के लिए भी स्लॉट मिलता है। 128GB को आप और भी एक्सपेंड कर सकते हो। हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है आपको ऑनर व्यू 10 में, या तो आप ड्यूल सिम लगा सकते हो या एक सिम में एक एसडी कार्ड। एक तो एसडी कार्ड का एडवांटेज हो गया ऑनर व्यू 10 के पास, और दूसरा एडवांटेज ये है कि ऑनर व्यू 10 ड्यूल सिम 4G प्लस वोल्टी सपोर्ट करता है। आप इस फोन में एक साथ 2 जियो सिम भी यूज कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑनर व्यू 10 के पास, क्योंकि आगे चल के बाकी सब टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी वोल्टी सर्विस लॉन्च करने वाले हैं। एयरटेल ने तो ऑलरेडी लॉन्च कर भी दी है, तो ऐसे में आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ड्यूल वोल्टी सपोर्ट के साथ। और जो डिज़ाइन है वो दोनों फ़ोन का काफ़ी प्रीमियम है, तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको दोनों से ही कोई शिकायत नहीं होगी। इसके अलावा बैटरी भी आपको ऑनर व्यू 10 में ज़्यादा मिलती है। ऑनर व्यू 10 आता है 3750mAh के साथ, और वन प्लस 5T में आपको मिलती है 3300mAh की बैटरी। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो दोनों में है, लेकिन जो वन प्लस 5T का डैश चार्जर है वो ज़्यादा फास्ट है ऑनर व्यू 10 के साथ जो चार्जर मिलता है उसके कंपैरिजन में। बाकी डिस्प्ले आपको दोनों में ही 18:9 वाला ही मिलता है, और जो स्क्रीन साइज है वो भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। ऑनर व्यू 10 आता है 5.99 इंच के साथ, और वन प्लस 5T का जो स्क्रीन साइज है वो आपको मिलता है 6.01 इंच। बाकी दोनों के डिस्प्ले में फ़र्क ये है कि वन प्लस 5T आता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, और ऑनर व्यू 10 में आपको मिलता है IPS डिस्प्ले। और अगर प्रोसेसर की हम बात करें तो वो दोनों में बिल्कुल ही अलग है। वन प्लस 5T में आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835, और ऑनर व्यू 10 आता है हाई सिलिकॉन किरिन 970 के साथ। ये दोनों ही हाई एंड प्रोसेसर हैं, तो परफॉर्मेंस में आपको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बाकी एक एडवांटेज है ऑनर वी 10 के प्रोसेसर के साथ, इसमें आपको AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सपोर्ट मिलता है। बहुत सारे काम इसमें होते हैं AI की मदद से। अब बात करते हैं कि कैमरा आपको किस में अच्छा मिलता है। दोनों में आपको रियर में ड्यूल कैमरास का सेटअप मिलता है 16+20 MP। ऑनर व्यू 10 का अपर्चर है f1.8 और वन प्लस 5T का f1.7। और फ्रंट कैमरा आपको मिलता है ऑनर व्यू 10 में 13 MP का f2.0 अपर्चर के साथ, और वन प्लस 5T में आपको मिलता है 16 MP का फ्रंट कैमरा f2.0 अपर्चर के साथ। देखो अगर आप वैसे देखोगे तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा दोनों के कैमराज में, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑनर व्यू 10 बेटर परफॉर्म करता है वन प्लस 5T के कंपैरिजन में बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलता है वो कैमरे में बहुत ज़्यादा काम करता है। आप जिस भी ऑब्जेक्ट की पिक्चर क्लिक करोगे तो ये खुद आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग ही कैमरा की सेटिंग कर देगा, कितना एक्सपोजर होना चाहिए, कलर टेम्परेचर क्या होना चाहिए। उसके बाद जो आपको इमेज क्वालिटी मिलेगी वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। और ऑनर व्यू 10 के फ्रंट कैमरा से भी आप पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हो। सिंगल कैमरा होने के बाद भी आपको इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वन प्लस 5T में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, तो कैमरे के डिपार्टमेंट में एडवांटेज है ऑनर व्यू 10 के पास। बाकी 4K वीडियो कैप्चर आप दोनों से ही कर सकते हो। इसके अलावा फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको दोनों में ही मिलता है, और दोनों का ही बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत ही फास्ट है। ऑनर व्यू 10 में आपको फेशियल रिकॉग्निशन का एक ऑप्शन और भी मिलता है, जिसमें क्या होता है कि फेस अनलॉक यूज़ करके आप उन नोटिफिकेशन को भी लॉक कर सकते हो जो आपको लॉक स्क्रीन पे दिखती हैं। मतलब लॉक स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएंगी,
कोई और देखेगा तो कुछ और नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन अच्छा फीचर है। बाकी फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दोनों में ही मिलता है और दोनों का ही बहुत फास्ट है। OnePlus 5T में बैक साइड पे मिलता है और Honor View 10 में फ्रंट साइड पे। मुझे पर्सनली फ्रंट साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर अच्छा लगता है, आपको कौन सा अच्छा लगता है, बैक साइड पे या फ्रंट साइड पे, मुझे कमेंट्स में बताना। इसके साथ साथ Honor View 10 में आपको वन बटन नेविगेशन का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन आप हाइड करके फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज करके ही सभी काम कर पाओगे, जैसे कि लेफ्ट स्वाइप करके बैक, राइट स्वाइप करके रिसेंट टैब्स, और सेंटर में आप टैप करोगे तो होम बटन का ये काम करेगा। ये मैंने Moto G5 Plus और G5S Plus में यूज़ किया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वन बटन नेविगेशन का ऑप्शन। और जहाँ तक बात है यूज़र इंटरफेस की, तो दोनों का बिल्कुल ही अलग है। OnePlus 5T में आपको ऑक्सीजन OS मिलता है जो कि बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड की तरह है, और Honor View 10 आता है EMUI के साथ। अब यहाँ आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है, तो यही पैकेज आपको मिलता है। अब आपको इनमें से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, देखो मुझे पर्सनली Honor View 10 ज़्यादा अच्छा लगा OnePlus 5T के कंपैरिजन में। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं Honor View 10 के पास जो इस फ़ोन को फ्यूचर प्रूफ बना देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ड्यूल वोल्टी सपोर्ट, सेकंड पॉइंट है एचडी कार्ड स्लॉट, थर्ड पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट, फोर्थ पॉइंट मेरे लिए है वन बटन नेविगेशन का ऑप्शन। इसके अलावा प्राइस तो कम है ही OnePlus 5T से, कम प्राइस में आपको ज़्यादा स्टोरेज मिल रही है और एक फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन। बाकी आप बताना मुझे कमेंट्स करके, आप इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना पसंद करोगे और क्यों। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।